थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ये मामला काफी जटिल हो गया है। 400 खातों में कुल मिलाकर 44 लाख भूतों का नाम है। कहाँ ठिकाना मिलेगा इन्हें। लुलु, ये भी एक कमाल का लड़का है। कुछ भी करके मैं इसे इंसान नहीं बना पाया। न जाने कितने समय से यही भूत बनकर पड़ा हुआ है। इतनी खूबसूरत इस समय में अगर करारे भेल और साथ में थोड़ा प्याज और एक हरी मिर्च मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। ये बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक सड़न लिया खुजली क्यों होने लगी? खुजली हो रही है, बहुत तेज खुजली हो रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो रुकने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बंद ही नहीं हो रही है। अरे क्या ये डायनेमिक डेंजरस कांड है। खुजला कर कम करते करते मेरा पूरा पैर कहाँ गायब हो गया। ये रहा मेरा पैर। मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ पर देख ही नहीं पा रहा। ये तो प्रॉब्लम सिर्फ आंखों की है या पैरों की है। अरे बाप रे बाप, समझ में नहीं आ रहा क्या है। घेगो चाचा। कहो मेरे बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें? ये देखिए चाचा, देखिए मेरे लेग डस्ट के साथ मिलकर कैसे लेग डस्ट हो चुके हैं। अपने पैर खुद ही छुपाकर मेरे साथ मजाक कर रहा है? नहीं चाचा नहीं, मजाक तो कोई मेरे साथ कर रहा है। भरी शाम में पहले एक पैर, उसके बाद आपके यहाँ आते ही दूसरा पैर भी गायब हो गया है। चाचा क्या करूँ? बहुत शैतानी करने लग गया है तू आजकल। ये देख मैं भी कैसे अपना सर और सब कुछ गायब कर सकता हूँ। हाँ ये देख, कैसा लगा? कुछ कहता क्यों नहीं, घबरा गया है क्या? क्या लल्लू, कैसा लगा? मुझे इसका एक्सपीरियंस है, समझा? तू किसी दूसरे दिन आना। हाँ तुझे भी ये सब सिखा दूंगा मैं। अभी सिर्फ पैर ही गायब कर पा रहा है ना, उसके बाद देखना तू भी मेरी तरह हाथ पैर सर सब कुछ गायब कर पाएगा। सच तेरे की, आप अपनी मर्जी से हाथ पैर सर गायब कर रहे हैं, इसलिए अपनी इच्छा से तो वो सब वापस अपनी जगह पर ला भी पा रहे हैं, पर यहाँ मैंने अपनी इच्छा से अपने पैर गायब नहीं किए हैं, खुद ही गायब हो गए हैं। ये तो है? क्या खुद से ही गायब हो गए हैं? समझ गया मैं। अब जब आप समझ ही गए हैं तो एक बार ट्राई करिए ना, शायद मेरे दोनों पैर वापस ला सकें। प्लीज चाचा। अरे इतना उतावला मत हो, थोड़ा शांत हो जा, रुक जा, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। वहाँ जाकर खड़ा हो जा, जा। उस गोल घेरे में जाकर खड़ा हो जाऊं? हाँ, बिल्कुल सेंटर में। लीजिए चाचा, खड़ा हो गया मैं। गुड, अब तू बस मेरा कमाल देखता जा लुल्लू। अरे बाप रे बाप। अरे ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया चाचा? आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया? तो आपने मेरा हाथ भी गायब कर दिया। तुमने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने अपने इलेक्ट्रा अल्ट्रा ऑब्जेक्ट रेलिफाइंग गन से तेरे पैर लौटाने की कोशिश की थी, पर इससे तेरा हाथ ही गायब हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा बता? मैं वो सब कुछ भी नहीं जानता, मेरा हाथ मुझे वापस लौटा दो अब। ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया, जो चीज मैंने ली ही नहीं वो चीज मैं लौटाऊंगा कैसे लुल्लू? क्या हुआ, चुप क्यों हो चाचा? आप मेरे हाथ लौटा दीजिए ना प्लीज। अब मैं क्या करूं जरा बताइए तो चीतू बाबू, मैं इसे किसी भी तरह समझा नहीं पा रहा हूं कि इसके हाथ मैंने गायब नहीं किए।
शेम शेम छी 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 मेरी ऐसी हालत देखकर भी आपका मन कर रहा है मुझ पर ऐसे हंसने का? क्या ये? अरे हंसो नहीं तो क्या करो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे हाथ पैर मुझे लौटा दीजिए आप। तेरे हाथ पैर गायब हो चुके हैं। हाँ वो तो गायब हो ही गए हैं, अभी हाथ पैर हुए हैं, इसके बाद कहीं सर भी गायब हो जाए तो फिर होगा ही, कुछ दिनों में ही सर भी गायब हो जाएगा तेरा। क्या सर भी गायब हो जाएगा, इसका क्या मतलब? तेरा पूरा शरीर ही गायब हो जाएगा, तू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा लुल्लू। हर एक चीज का एक अंत होता है लुल्लू, आई मीन एक एक्सपायरी डेट तो होती है ना। भूत बनकर तूने बहुत दिन बिता लिए, इंसान मरकर जैसे भूत बनता है वैसे ही भूत भी एक समय के बाद इंसान बन जाते हैं ना? नहीं, गायब हो जाते हैं। गल 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 गल। उस लुल्लू बेचारे का चेहरा याद आते ही अभी भी मुझे हंसी आ रही है। गायब हो जाएगा ये बात सुनकर कैसे होश उड़ गए थे उसके। गल 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 गल। ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। अरे अरे लुलू, तू तो तू कर रहा है ये सब? हाँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ दादू, मेरा पूरा शरीर अब इस फ्रेश एयर के साथ नैश हो चुका है, इसलिए सोचा इस हेड की बड़ी जिम्मेदारी आपको ही दे देता जाऊँ। बदमाश के बच्चे, अगर मैं चाहूँ तो तेरी इस बदतमीजी को अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ मैं। आप अब मेरा क्या ही कर सकते हैं दादू, अब मैं आपके हैंड से बाहर हैंड ओवर हो चुका हूँ। अब देख क्या हाल करता हूँ मैं तेरा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा रे लुल्लू, बता कौन? बचना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ दादू, मैं तो बस सिर्फ भूत बनना चाहता था, टोटल बॉडी पार्ट समेत कंप्लीट भूत। क्या, 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 क्या मतलब? मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, सुनिए ना यहाँ ये। अरे अरे लुल्लू, अरे लुल्लू सुन सुन, अरे मेरी बात तो सुन, ऐसे तू हिम्मत मत हार, सब सब ठीक हो जाएगा। अब और क्या ठीक होगा, आपने सब अपने कानों से सुना ना, मैं धीरे धीरे टोटल गायब हो जाऊंगा चाचा, बस बचेगी मेरी ये नारंगी धोती, इसे देखकर ही आप मुझे याद कर लिया करना। चुप, अब सुन मेरी बात ध्यान से सुन, पुण्य नहीं किया इसलिए तू इंसान नहीं बन पाया, पर तू क्या इतने दिनों में ठीक से भूत भी बन पाया है? क्या मतलब? तुझे मुक्ति मिल रही है, अभी भी अगर तू भूत बनकर टिका रहना चाहता है तो मुझे भूतों का स्वरूप लेना पड़ेगा, समझ आया तुझे? लोगों को डराना पड़ेगा। अरे लोगों को डराने पर तू अकर्म कुकर्म पाप का भागीदार बन जाएगा, जिससे ही तुझे तेरे भूत का शरीर वापस मिल पाएगा। सच कह रहे हैं चाचा, क्या डराने से ही मैं फिर से भूत का शरीर वापस पाऊंगा? हैं? अरे हाँ, जाकर अच्छे से डरा। जानते हैं इंसान मुझे स्वीट लिटिल क्यूट घोस्ट कहते हैं, कुछ मुझे नटखट प्यारा लुल्लू भूत कहते हैं, उन्हें डराकर मैं अपना नाम तो खराब नहीं कर सकता ना, इसलिए आपको ही टारगेट बनाया मैंने। अरे शैतान, बदमाश कहीं का तू हमेशा ही भूत बना रहेगा, कोई भी तुझे इंसान नहीं बना पाएगा लुल्लू। कोई परेशानी नहीं है दादू, अभी कुछ समय तक मैं भूत बनकर ही चल करता रहूंगा, इंसान बनने की फीलिंग भी कुछ दिनों में ही मिल जाएगी। अरे दादू लाइफ इज फन, कीप काम, बस सिर्फ नहाते रहिए ठंडे ठंडे पानी से।